Question number 9.9, and it is, how does heat reach us from the sun? So sun se heat kis tarah se hum tak pahunch rahi hai, theek hai, earth ke upar. So hamare paas agar hum conduction ka process dekhe, usme kya hota hai, just free atoms chahiye hote hain hame and free electrons chahiye hote hain, theek hai. Ab free electron and free atoms mein thodi space tak hum heat ko transfer kar sakte hain, theek hai. Agar wo yahan pe garam tha, koi bhi electron tha ya atoms the, wo garam the, theek hai, aur bahut space tak pahunchte wo to thande ho jayenge, theek hai. Wo automatically apni energy kisi na kisi ko provide karenge and wo thande hote jayenge, theek hai. तो क्या होगा, कंडक्शन का प्रोसेस यूज नहीं हो सकता हीट को ट्रांसफर करवाने के लिए फ्रॉम सन टू द अर्थ. द नेक्स्ट प्रोसेस इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट गेन करते हैं, ठीक है, एंड वो अपनी जगह चेंज करके दूसरी जगह चले जाते हैं, एंड जो पीछे जगह बच जाती है वो कोल्ड मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे लिख लेते हैं वार्म मॉलिक्यूल्स एंड ये कोल्ड मॉलिक्यूल्स. सो इसमें भी क्या हो रहा है, जस्ट एक सिंगल प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक है. तो इसमें भी ज़्यादा दूर तक हम नहीं भेज सकते मॉलिक्यूल्स को कि वो सन से अर्थ तक चले जाएं एंड हमें जो है वो हीट गेन करने में हेल्प आउट करें. सो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है एंड सन से जिस तरह हमारे पास हीट अर्थ तक आती है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन. सो द रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन प्रोवाइड ये ट्रांसफर हीट फॉर हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है, सन से अर्थ तक ये ट्रांसफर कर देती हैं बिकॉज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन या कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है, दोनों का ही, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन is not possible, not possible due to vacuum, vacuum between sun and earth. So हुआ क्या कि एक तो हम खुद भी इतनी दूर से नहीं भेज सकते एटम्स को, क्योंकि एटम तो पहले ही ट्रांसफ़र करते रहते हैं हीट को, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रांसफ़र कर सकते. एंड सेकंड रीज़न जो है हमारे पास कि वो वैक्यूम प्रेजेंट है. वैक्यूम में ना कोई मॉलिक्यूल, ना एटम, ना फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है. हम वैक्यूम कहते किसको हैं, जहाँ से एयर को बिल्कुल निकाल लिया गया हो, ठीक है, जहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट ना हो. तो वहाँ क्या होता है कि वैक्यूम जो सन और अर्थ के दरमियान प्रेजेंट है, उसकी वजह से ना कंडक्शन पॉसिबल है, ना कन्वेक्शन पॉसिबल है, ठीक है. सो जो हमारे पास मेथड बचता है कि सन से हम लोग डायरेक्टली हीट को ले सकें, दैट इज़ ओनली द रेडिएशन, ठीक है. रेडिएशन के थ्रू ही सन की लाइट या सन की हीट जो है वो हम तक पहुँच रही है. सो ये था हमारा 9.9. द नेक्स्ट इज 9.10. सो 9.10 इज हाउ वेरियस सर्फेस कैन बी कम्पेयर बाई लेस्ली क्यूब. सो कैसे हम डिफरेंट सर्फेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेस्ली क्यूब से. सो लेस्ली क्यूब में बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट साइड्स को सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है. डिफरेंट साइड्स हैज़ डिफरेंट कलर्स, ठीक है. अब वो जो साइड्स के कलर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी रेडिएशन एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है. सो लेस्ली क्यूब हमें बताता क्या है कि हमने उस क्यूब के अंदर तमाम सर्फेसिस, यानी जो चार सर्फेसिस यूज़ की हैं, उनको हमने डिफरेंट कलर से कोट कर दिए. और डिफरेंट कलर से कोट करने का मतलब है कि अब उनकी तमाम की जो रेट है कि वो किस हद तक एमिट कर सकती हैं या एब्जॉर्ब कर सकती हैं रेडिएशंस को, या वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो डिफरेंट हो जाता है. सो हम इस तरह से कंपेयर कर लेते हैं लेस्ली में, लेस्ली क्यूब को यूज़ करके कि किस तरह हर तमाम जो चीज़ें वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो द डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड्स ऑफ लेस्ली क्यूब are made up of different colors
या उनकी नेचर, ठीक है, कलर से नेचर को हम अगर डिफरेंट कर दें और तमाम साइड्स के डिफरेंट कर दें तो हमारे पास क्या होगा? सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड रिफ्लेक्शन विल बी चेंज. Changed, which provide the comparison between different sides. Comparison between different sides. So, अगर हमें sides में comparison करना है कि कौन सी ज़्यादा reflect कर रही है, emit कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, तो हम जस्ट लेसलेस क्यूब को यूज़ करेंगे जिसकी हर साइड जो है वो डिफरेंट कलर्स की होगी या डिफरेंट नेचर की होगी. नेचर भी हो सकता है, ठीक है. सो वो हमें बता देगी कि जैसे हम रेडिएटर के आगे उसको रखेंगे तो हर एक एक साइड डिफरेंट वैल्यूज शो करेगी, जिसके बिहाफ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा एमिट करती है या कौन सी चीज़ कम एमिट करती है. सो ये था हमारा आंसर नंबर 9.10. द नेक्स्ट इज 9.11. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास यही है कि हम ग्लास या पॉलीथीन को यूज़ करके जो स्मॉल रेंज की वेवलेंथ वाली लाइट है यानी अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है. एंड अगर इंफ्रारेड रेडिएशन बॉडी एमिट कर रही है तो उसको हम बाहर ना निकलने दें. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द ग्लास और पॉलीथीन पॉलीथीन अलाउ अल्ट्रावायलेट रेज टू पास एंड देन द बॉडी और सरफेस एमिट infrared radiation which cannot be transferred from the walls of glass. This is called greenhouse effect. So greenhouse effect basically क्या है कि जैसे पॉलीथीन या ग्लास हमने यूज़ किया हुआ है ग्रीन हाउस में, जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को कोई आर्टिफिशली सिंथेसाइज करने के लिए, फ्रूट को, वेजिटेबल्स वगैरह को, फ्लावर्स को. सो उसकी वॉल्स को और जो है ग्लास की या पॉलीथीन के बनाए जाते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है या रेडिएशन इनको कह दें वो पास आउट हो जाए, ठीक है. अब जो भी बॉडी अंदर प्रेजेंट है वो जो वेव्स एमिट कर रही है दैट इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन. अब वो इंफ्रारेड रेडिएशन इस ग्लास की वॉल्स से पास आउट नहीं हो सकती, ठीक है. सो उसी के अंदर रहते हुए और टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो ये था हमारा आंसर नंबर 9.11. नाउ द लास्ट वन इज 9.12 एंड इट इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या इम्पैक्ट कॉज करे, क्या असरात हैं उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट के. सो पहली बात है ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ग्लोबल वार्मिंग हमारी जो वार्मिंग का मतलब गर्म, ठीक है. ग्लोबल मीन दुनिया, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या मतलब है कि हमारी दुनिया का टेम्परेचर जो इंक्रीज होता जा रहा है या इतना हीट प्रोड्यूस होती जा रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है. वो क्यों हो रही है? ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था कि इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया,
और इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर पास आउट नहीं कर पा रहे तो टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। उस टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रही है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वो वाटर वेपर्स जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं वो एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी हम लोग व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, हम जितना फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, बर्निंग के प्रोसेसेस कर रहे हैं, सब में हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा कंजप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ चुकी है, उसके लिहाज से हमारे पास क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकालती है। सो जितनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलेगी वो हमारे होल से जो अर्थ एंड सन के दरमियान बना हुआ है इस तरह से, उसके बाहर नहीं जा सकती। इट मीन्स वो टकरा के वापस अर्थ पे आ रही है, और जब अर्थ पे आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है वो कॉज कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच अल्टीमेटली कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। सो इसका आंसर है द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर vapors present in the atmosphere absorb ultraviolet radiations and emit infrared radiation. Radiations which cause the increase in temperature. Temperature and it is called ग्लोबल वार्मिंग। सो अब जितनी भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर वेपर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, सारी के सारी वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड वो जो एमिट कर रहे हैं दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। एंड इंफ्रारेड रेडिएशन चूँकि पास आउट नहीं हो सकती इसलिए वो इंक्रीज कर रही है अर्थ का टेम्परेचर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 9.12 का आंसर।